सबसे पहले यहाँ पे ये एग्जीबिशन आके इतने सारे पेंटिंग्स एक साथ में, जनरली कोई भी एग्जीबिशन में 30 या 35 वर्क होते हैं और यहाँ तो ओवर 100 है, तो उससे ही बहुत खुशी होती है, बहुत उत्सुकता हो रही है कि सब वर्क्स को एकदम क्लोजली देखा जाए। कंपटीशन तो बहुत है हमारे यहाँ, इतनी बड़ी आबादी है तो गनीमत है कि मतलब पेंटर्स तो बहुत ही होंगे और कंपटीशन भी बहुत ही होगी, और हमारे में थोड़ी ये प्रॉब्लम है कि हम लोग खाली वो एक ब्रांड नेम को लेके चलते हैं और वो जो प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट हैं उनके पीछे सब भाग रहे हैं, तो न्यू कमर्स को बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हालाँकि उनको अफोर्ड नहीं कर पाते बहुत लोग, पर फिर भी लोगों का दिमाग वहीं सेट है, तो अभी उनको वो ब्रेक करके खुद पे अटेंशन लाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए मैंने सजेस्ट किया था कि नए नए मीडियम यूज़ करिए और नया क्रिएटिविटी करिए, उसमें थोड़ा दुनिया में क्या हो रहा है वो भी देखिए। नेट तो अवेलेबल है, पहले नेट नहीं था, अभी तो नेट पे देख के क्या क्रिएटिविटी हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो सब मालूम पड़ सकता है। तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा रात भर बैठ बैठ के देखते रहो और जो भी आपको अच्छा लगे उसमें से आप उसको इंस्पायर होके, मैं नहीं बोलूँगा कॉपी करो, लेकिन इंस्पायर होके जरा वो टाइम आपका कला दिखाइए, उसमें आपकी क्रिएटिविटी आएगी। सर आप क्या कहना चाहेंगे कुछ मैडम के लिए, पेंटिंग एग्जीबिशन में कैसा फील हो रहा है, कितना डिफिकल्ट होता है पेंटर के लिए अच्छी पेंटिंग बनाना? लोगों के बीच जाना कितना मुश्किल होता है? किसको बीच में जाने, पेंटिंग को बनाकर लोगों के बीच जाना कितना मुश्किल? वही तो काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में लाने की कोशिश है भाई। इनके जैसे लोग के कारण ये सब सामने आ रही है, पेंटिंग उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि इतनी सारी गैलरी है, कौन सी गैलरी में जाना, किधर डिस्प्ले करना और कहाँ बायर्स कहाँ पे ज़्यादा रहते हैं, तो वो सब डिसीजन इनके थ्रू ले सकते हैं। और हमें पूरा सानिध्य भाई साहब का है, गुरुजी साहब का, पूरी गाइडलाइंस मिलती है, टाइम टू टाइम हमें गाइड करते हैं, ऐसे करो ऐसे करो, तो उनके सानिध्य में हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं अपने आर्टिस्ट से भी यही कोशिश करता हूँ कुछ नया लेके आओ। ये इस टाइम 28 आर्टिस्ट हैं हमारे जो ऑल ओवर इंडिया से हैं, जिसमें मध्य प्रदेश से हैं, हिमाचल से हैं, कश्मीर से हैं, दिल्ली से हैं, गुजरात से हैं, कलकत्ता से हैं, तो सब अपने क्षेत्र के मास्टर हैं। लेकिन हम यही चाहते हैं कि कुछ नया करो, कैसा नहीं है कि किसी की आँख पकड़ी, किसी का हाथ पकड़ा, किसी का फेस पकड़ा और एक पेंटिंग बना दी, कुछ अपना क्रिएशन करो। तो हमारे पास इतने बड़े आर्ट कलेक्टर हैं जो वो लेके जाएँ, क्योंकि एक एक चीज़ को भी कितना लें। तो हम लोग आर्टिस्ट से ही गुजारिश करते हैं कि उसको थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा सा अपने आप को आगे लाओ, तो मुझे भी थोड़ा सा रास्ता आसान हो। तो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ। सर मेरे पास लगभग 2000 आर्टिस्ट हैं इस टाइम, तो लगातार चला भी हमारा जहांगीर आर्ट गैलरी में भी शो है 22 अक्टूबर से 27 अक्टूबर में, जो इंटरनेशनल शो है जिसमें जर्मनी से, नेपाल से और बाहर से लोग आ रहे हैं और ऑल ओवर हिंदुस्तान से करीब 40 आर्टिस्ट हैं, और जिसमें एग्जीबिशन पेंटिंग्स और स्कल्पचर दोनों हैं। और उसमें भी भाई साहब का ही सबसे बड़ा मेरे ऊपर हाथ है और आशीर्वाद है, वो कहते बेटा तू आगे बढ़, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। कितने दिन तक चलेगा सर ये? ये सर शनिवार की शाम तक है,
ये 3 दिन का है, 10, 11, 12 और जहांगीर का 7 डेज है हमारा। आर्ट से प्यार करो और आर्टिस्टों का हौसला बढ़ाओ, इनको भी आगे लेके जाओ, इनकी एक दुनिया है, इसका भी आनंद लो। थैंक यू। देखिए ये दुनिया एक अलग दुनिया है और इस दुनिया से जुड़े हुए कलाकार, मैं एक चेयरों लगवा लेता हूँ, एक मंच पे लाने का जो कार्य दुनिया जी ने किया है वो काफ़ी सराहनीय कार्य है। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि कलाकार अपना काम करता है, बेहतर करता है और बेहतर करने की गुंजाइश होती है, लेकिन उसको एक प्लेटफॉर्म दिलाना और उसको आगे का सफ़र तय करना, उसके बीच का जो ब्रिज होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जो कि सुनील जी कर रहे हैं। आज देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों से इतने सारे आर्टिस्ट यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से किया है। निसंदेह ये जो भी कलाकार हैं इनको आज ये ब्रेकथ्रू मिला है, यहाँ से ये लोग और आगे जाएँ। और जैसा कि सर ने बताया कि हमेशा क्रिएटिविटी को आगे रख करके कुछ ना कुछ नया करते रहें, क्योंकि जिस तरीके से देश दुनिया समाज सब कुछ बदलता जा रहा है, अपडेट होता जा रहा है, तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया करते रहने की ज़रूरत है। जैसा कि सर ने बताया कि पहले नेट नहीं था, अब नेट भी आ गया है, तो हम ऐसा काम करें कि जिससे हमें भी नेट प्रॉफिट हो। जी मैं यहाँ पे आई हूँ और मुझे यहाँ पेंटिंग्स इतनी खूबसूरत लग रही हैं कि मैं बता नहीं सकती। और ये पेंटिंग जैसे हम देखते हैं हमें लगता है बड़ा इजी है, एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट काम है। और जो भी कलाकार इसको दिल से करते हैं, सारी चीज़ों को पन्नों पे जैसे उतारते हैं, ये बहुत बड़ी कला है। और सर की बात को अप्रिशिएट करती हूँ मैं कि और ज़्यादा और अलग, जिससे कि आपको लोग जाने, और जितना आप अलग क्रिएटिविटी करते हैं उतनी आपकी पहचान बनती है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अभी 2 लाइन मैंने बोली थी, फिर से बोल देती हूँ। मैं लेखिका, एक्टर और आरजे हूँ, मेरा नाम श्रुति भट्टाचार्य है। खाली पन्नों में खुद को उतारती रहती हूँ, रात दिन शब्दों की लहरों में बहती हूँ, आएगा एक दिन हवाओं का रुख इधर भी, आएगा एक दिन हवाओं का रुख इधर भी, यही सोच थपेड़े समंदर के सहती हूँ, न जाने कितने अशकों ने भरा है इसे, कभी इससे तो पूछो क्यों इसे समंदर कहते हैं। तो बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लग रहा है सर, इतना हौसला बढ़ाते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो सर बहुत थैंक यू। ऐसे ही आपके जैसे और लोग बढ़ जाएं और इस चीज़ को अप्रिशिएट करते रहें। हौसला तो दे ही रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया सर। जिंदगी का सफ़र आसान नहीं होता, जिंदगी का सफ़र आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े पत्थर की मार, जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान। क्या भले मन
चाहते हैं, जो पीड़ा था वो ये हम लोग दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, ये लीजिए पीड़ा दे। बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म सुनील गुप्ता जी ने तैयार किया है और बहुत सारे आर्टिस्टों को उन्होंने प्रमोट किया है, उनको एक मौका दिया है। और रही बात पेंटिंग की, पेंटिंग एक ऐसी चीज़ है जो कहते हैं ना कि घर के दरवाजे पर आपने एक गमले में फूल खिला कर रखा है, तो पेंटिंग एक फूल की तरह होती है। आप ये समझेंगे कि पेंटिंग से हमें भोजन मिलेगा, ठीक है भोजन मिलेगा, लेकिन पेंटिंग क्या चीज़ है, आपका मन का सुख है। बहुत सी चीज़ें होती हैं, तन का सुख है, धन का सुख है, लेकिन पेंटिंग जो है मन का सुख होता है। तो इसके लिए जो भी आर्टिस्ट अपने हिसाब से काम करता है ये मन की खुशी के लिए करता है। तो हम सारे आर्टिस्टों को कहते हैं कि आप तन मन धन से कोई भी काम करें, जब तक आप अच्छी तरीके से काम नहीं करेंगे, आप शिकायत करेंगे कि मेरी पेंटिंग बिकती नहीं है। आप हर पेंटिंग को एक नोट की तरह बनाएं, जैसे एक 10 रुपये का नोट किसी भी डस्टबिन में नहीं दिखाई देता है, उसी तरह पेंटिंग नोट की तरह बना लेंगे ताकि कोई भी उसे देखे, उसको समझे, तो ये ना लगे कि भैया इसको ये बेकार की चीज़ है। नहीं, लोग उसको उठा लें, उसको छीन लें, चुरा लें, तब पेंटिंग की परिभाषा पूर्ण होती है। सिर्फ कलर लगा देने से, कैनवास पे कलर लगा देने से, इसे गिरा देने से पेंटिंग नहीं बनती है। तो इसलिए हम तमाम आर्टिस्टों से कहेंगे कि उसका एक प्रॉपर एजुकेशन लें, उस पर ध्यान दें, ज़िंदगी का कुछ समय उसमें गुजारें, फिर जाके वो पेंटिंग कंप्लीट होती है, फिर उसको आप डिस्प्ले करें तो क्यों नहीं बिकेगी, ज़रूर बिकेगी। तो हम तमाम आर्टिस्टों से कहते हैं दिल से आप काम करें, काम में बेईमानी नहीं करना। पानी जब 100 सेल्सियस पे जाता है तब जाके वो बादल बनता है, ठीक उसी तरह आपको पेंटिंग में अपना पूरा समय देना पड़ेगा। जरूर दें, जरूर सक्सेस होंगे, हमारा पूरा विश्वास है और हमारी पूरी कोशिश है सारे आर्टिस्टों को कि दिल से आप काम करें और ईश्वर आपके हमेशा साथ रहेगा। धन्यवाद, शुक्रिया। पेंटिंग चित्रकला स्पेशली एक सबसे प्राचीन भाषा है जो हमें, जिसको हम प्री हिस्टोरिकल लैंग्वेज भी बोलते हैं। जब मनुष्य के पास शब्दों में भाषा नहीं थी तो चित्रों में ही वो अभिव्यक्ति करते थे अपनी, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करने का वो चित्रों के माध्यम से करते थे। पर आप कभी भी किसी भी कला को देखेंगे अगर, तो ये एक भीतर की यात्रा है। बाहर से जो हमें दिखता है प्रकृति में वो हम अपने अंदर लेते हैं ना, और फिर ये अंदर से फिर बाहर आता है। तो ये एक ब्रह्मांड की चेतना है जो प्रत्येक मनुष्य में भावनाओं के रूप में निहित है, और भावनाएं भी ईश्वर की तरह सूक्ष्म ही होती हैं, अच्छी हो या बुरी हो। आप किसी भी चीज़ को पकड़ के जब उस चीज़ से तृप्त हो जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं, बंधन ही टूट जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि आनंद का विषय नहीं है, कोई भी कला आनंद का विषय ही है। उसमें आप लीन हो जाते हैं, डूब जाते हैं, फिर जो निकल के आता है स्तर कैसा भी हो सकता है, पर महत्वपूर्ण है आपके मन की शुद्धता, आपकी आत्मा की शुद्धता, आपकी यात्रा की शुद्धता, तो फिर वो दिल की आवाज़ दिल तक पहुंचती ही है। और बाकी रहा इसका ये एस्पेक्ट कि बिका नहीं बिका, तो बिकने के लिए तो अंडा ब्रेड भी बिक जाता है, इतनी ही चिंता है तो वो दुकान खोल ले। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो एक काम के अलावा इसमें आपका एक आध्यात्म प्रगति या यात्रा भी जुड़ी हुई है, जो आपको और बेहतर और सुंदर इंसान बना। थैंक यू।
सुंदर प्रयास है। बहुत सारे यंग आर्टिस्ट भी इसमें सम्मिलित हुए हैं और काम बहुत अच्छा है। जो यहाँ पे एक परिवार के तौर पे जो यहाँ पे जितने भी कलाकार लोग हैं यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इस भव्य समारोह में जो उन्होंने अपनी मन की जो शक्ति है, जो अपनी मन की विचार है, मन की शक्ति है, उसको एक पेपर पे या एक कपड़े पे, एक पर्दे पे उतार कर जो समाज के सम्मुख उन्होंने प्रेजेंट किया है, तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत बड़ी एक कला है ये। इसका हम जितना भी वर्णन करेंगे उतना ही कम पड़ेगा और जितना भी हम इसका विस्तार से अनुसरण करेंगे उतना ही कम पड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमको इनका आदर करना चाहिए, हमको इनको जो है मान सम्मान बढ़ाना चाहिए और जितने भी यहाँ पे कलाकार आए हैं उनको भी अपनी आत्मबल को बढ़ाकर और अच्छा क्रिएट करके समाज में और हमारे भारत में, हमारे देश में लोगों को बना बना कर उनको ये अपना संदेश जो है पहुँचाने की कोशिश करते रहना चाहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस।